बच्चों आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नंबर्स। ओके, देखो फर्स्ट है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। बच्चों मैंने लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन किया था। ओके, फिर तीन नंबर है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। बच्चों इवन नंबर क्या है? जो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू इज कॉल्ड इवन नंबर। बच्चों जो नंबर टू के साथ डिविजिबल होता है वो होता है इवन नंबर, जो नंबर टू के साथ डिविजिबल होता है वो होता है इवन नंबर। और अगर किसी भी नंबर के लास्ट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ होगा तो होता है इवन नंबर। ओके, क्या जो नंबर टू के साथ डिविजिबल होता है वो होता है इवन नंबर, और जो नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ होगा तो होता है इवन नंबर। ओके, देखो बच्चों इवन नंबर अगर किसी भी डिजिट के किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ होगा तो होगा इवन नंबर, और टू अगर वो टू के साथ वही नंबर टू के साथ डिविजिबल होता है तो वो होता है इवन नंबर। एक नंबर है देखो 424। बच्चों देखो इसके लास्ट प्लेस में है 4, तो ये 4 इनमें से है, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से 4 है कि नहीं, 4 इसमें है कि नहीं, 0, 2, 4, 6, 8 में 4 है कि नहीं है, तो इसके लास्ट में 4 है तो ये इवन नंबर होगा, और ये 2 के साथ भी डिविजिबल हो रहा है तो ये इवन नंबर होगा। ओके, समझे? किसी भी डिजिट के लास्ट प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ होगा तो वो होगा इवन नंबर, और अगर 2 के साथ डिविजिबल होता है तो वही होगा इवन नंबर। ओके बच्चों, उसके बाद ऑड नंबर क्या है? देखो ऑड नंबर है नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। बच्चों जो नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं होगा तो वो होगा ऑड नंबर। ओके, जो नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं होगा उसको कहते हैं हम ऑड नंबर, वही होगा ऑड नंबर। और अगर किसी भी नंबर के लास्ट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कुछ होगा तो होगा ऑड नंबर। ओके, किसी भी नंबर के लास्ट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कुछ होगा तो होगा ऑड नंबर। ओके, तो बच्चों ऑड नंबर कैसे लिखते हैं? अगर ये स्टेप को फॉलो करने से भी होगा, ये स्टेप को फॉलो करने से भी होगा। तो ये देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कुछ होगा तो वो होगा ऑड नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 ये पांचों नंबर में से कोई भी नंबर अगर लास्ट प्लेस में होगा तो वो होता है ऑड नंबर। ओके, और सेकेंड स्टेप क्या है, अगर वो 2 के साथ डिविजिबल नहीं हो रहा है तो होगा ऑड नंबर। ओके, जैसे ये एक नंबर है देखो 983। बच्चों इसके लास्ट प्लेस में देखो 3 है, 3 इनमें से है कि नहीं, 1, 3, 5, 7, 9 में से 3 है तो ये ऑड नंबर होगा, समझे? अगर ये इसको 2 ये 2 के साथ ये डिविजिबल नहीं होगा तो ये भी ऑड नंबर होगा। अगर ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं होगा तो ऑड नंबर है, और इसके लास्ट प्लेस में देखो 3 है, 3 इनमें से है, 1, 3, 5, 7, 9 में से 3 है तो ये भी ऑड नंबर होगा। अगर लास्ट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी नंबर होगा तो होगा ऑड नंबर। देखो ये 1, 3, 5, 7, 9 में से 3 इधर है, लास्ट प्लेस में 3 है, इसलिए ये ऑड नंबर हुआ। ओके बच्चों, उसके बाद देखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड ए प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड ए प्राइम नंबर। बच्चों जो नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक 1 और एक खुद वही नंबर, तो होता है प्राइम नंबर्स। ओके, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है उसको कहते हैं प्राइम नंबर। 2 फैक्टर मीन्स 2 फैक्टर में से 1 और एक फर्स्ट होगा 1 और दूसरा होगा वो नंबर खुद। ओके, प्राइम नंबर क्या है? जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, 2 फैक्टर्स होता है, एक होता है 1
और दूसरा होता है ओड नंबर खुद, तो इसको कहते हैं प्राइम नंबर। ओके, तो देखो बच्चों फैक्टर ऑफ सेवन इज, सेवन का क्या क्या फैक्टर है, टू फैक्टर है, वन और सेवन खुद, तो ये होगा बच्चों प्राइम नंबर। ओके, देखो सेवन होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या, जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है, एक वहाँ फर्स्ट वन होगा और सेकंड वो नंबर खुद होगा। देखो जैसे सेवन का फैक्टर है वन और सेवन खुद, तो सेवन होगा प्राइम नंबर। और एक देखो इलेवन, इलेवन का फैक्टर क्या क्या होता है, वन होता है एक और इलेवन खुद होता है, तो ये इलेवन भी प्राइम नंबर होगा। समझे, जो नंबर का सिर्फ दो फैक्टर होता है, एक है वन और दूसरा वो नंबर खुद, जैसे इलेवन का वन है और इलेवन खुद है, तो ये है प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर क्या है बच्चों, जिस नंबर का सिर्फ दो फैक्टर होता है, एक है वन दूसरा वो नंबर खुद, तो वो होता है हमारा प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद बच्चों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, ए नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ। बच्चों कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर मतलब वन और नंबर खुद को छोड़ के एटलीस्ट वन फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, तो होगा कंपोजिट नंबर। ओके, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर होने से होता है कंपोजिट नंबर, दो नहीं होना चाहिए, तीन से ज़्यादा, तीन या तीन थ्री से ज़्यादा होने से होता है कंपोजिट नंबर। बच्चों जो नंबर का फैक्टर वन और वो नंबर खुद और उससे भी और कुछ होगा, तो होगा कंपोजिट नंबर। जैसे कोई नंबर का थ्री या तीन थ्री से ज़्यादा फैक्टर होता है, वो होता है कंपोजिट नंबर। और ऐसे भी कह सकते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होता वो होगा कंपोजिट नंबर। ओके, कैसे, जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो होगा कंपोजिट नंबर, और जिसका तीन या तीन से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको भी हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। ओके, जैसे बच्चों ये देखो टेन, टेन का फैक्टर क्या क्या है, वन है, टू भी है, फाइव है और टेन है, तो इसको देखो इसका चार फैक्टर है, हाँ कि नहीं, थ्री है इसका चार फैक्टर है, अगर टू होता तो प्राइम नंबर होता, तीन से ज़्यादा है तो ये होगा कंपोजिट नंबर। ओके, ये प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर होगा, और इसका फैक्टर तीन से ज़्यादा है तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। ओके, समझे सब लोग कंपोजिट नंबर क्या है।